अगर आपके गाने के लेवल्स ऐसे दिखते हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप सबने सुना है गेन स्टेजिंग के बारे में लेकिन किसी को क्लियर आइडिया नहीं है कि क्या होता है गेन स्टेजिंग मैं आपको बताने वाला हूं नमस्ते दोस्तों मैं नाम शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग ऑफ गेन स्टेजिंग है कि आप एक करेक्ट सिग्नल को फीड करें शुरुआत से लेके आखिर तक यानी कि आपका गाना जहां से 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 स्टार्ट हो रहा है जहां से आप आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मिक्स मास्टर होने तक आप एक करेक्ट लेवल फीड करें अपने सिस्टम के थ्रू ना ये इंक्लूड करता है जिस लेवल पे आपके इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं जो माइक के लेवल्स हैं जो प्रीएम्प के लेवल्स हैं जो मिक्स के लेवल्स हैं और जो मिक्स बस है पूरे ओवरऑल पूरे सीक्वेंस में आपको एक कंसिस्टेंट लेवल मेंटेन करना पड़ता है पर सवाल यह है कि राइट right लेवल है क्या अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें तो सीधे साधारण शब्दों में 50 टू 70 परसेंट ऑफ सिग्नल जो आप अपने मीटर्स पे देखते हैं रिकॉर्डिंग के के दौरान tracking के दौरान ट्रैकिंग विद लोएस्ट नॉइस फ्लोर यानी कि कम से कम नॉइस फ्लोर हो जब आप कुछ नहीं बोल रहे हो आपने माइक को ऑन कर रखा है तो नॉइस फ्लोर जो हो वो सबसे नीचे हो साथ में आपके पास एक हेल्दी हेडरूम रहना चाहिए ताकि अगर आप कहीं पे लाउड हो या फिर अगर आप बाद में कुछ उस पर तो आपके पास एनफ हेडरूम है जिसपे आप चीजें करने के लिए आपके पास जगह

कि अलग डी ए डब्ल्यू होने की वजह से आपका साउंड अलग होता है बहुत लोग कहते हैं लॉजिक प्रो बहुत अच्छा है भाई ये बहुत प्रोफेशनल है और प्रो प्रोटूज इतना अच्छा नहीं है एफ एल स्टूडियो इतना अच्छा नहीं है और इस स्कूल ऑफ थॉट से मैं बिलोंग नहीं करता मैं ये बिल्कुल कतई नहीं मानता हूँ इस बात को कि ये सच्चाई है और मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया इस चीज़ को समझने में इस चीज़ को रियलाइज करने में और मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे पता चला आपके जो गाने हैं वो शायद अलग साउंड कर रहे हैं सिंपली बिकॉज आप उनको काफी हॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं काफी हॉट मिक्स कर रहे हैं देखिए इसके ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन हमारे डीएडब्ल्यू में समिंग इंजिन होते हैं तो समिंग इंजिन जो है वो काफी अलग साउंड कर सकते हैं जब आप उनपे काफी हॉट लेवल फीड कर रहे हैं अगर आप बिल्कुल ऊपर ऊपर मिक्स कर रहे हैं बहुत ऊपर आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो शायद वो जो डीएडब्ल्यू है वो सम जब करेगा उसका समिंग इंजिन जो सम करेगा

मिक्स कर रहे हैं अपने गाने को इससे आप मेक श्योर sure कर सकते हैं कि सारे डीएडब्ल्यू ऑलमोस्ट सेम साउंड करते हैं कोई ज्यादा डिफरेंस जमीन आसमान का फर्क नहीं होता है उनमें इसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो होता है कि जब आप प्लगस का इस्तेमाल करते हैं एफएक्स प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने हॉट सिग्नल पे आपका ऑडियो बिल्कुल लाउड चल रहा है माइनस सिक्स माइनस थ्री पे और आप वहां पे एक प्लगिन को इंसर्ट करते हैं ज्यादातर प्लग जो है वो एग्जैक्टली exactly उस तरीके से काम नहीं करते हैं जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए जब आप उनपे काफी हॉट सिग्नल डालते हैं यानी कि जब आप उनपे काफी लाउड सिग्नल्स डालते हैं तो वो उस तरीके से काम नहीं करते हैं। और मैं फ्री और सस्ते प्लगन्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं प्रीमियम प्लगिन की बात कर रहा हूं जैसे वेव्स हो गए आपके सोनोक्स हो गए स्लेट के प्लगिन हो गए ये बहुत अलग किस्म से बिहेव करते हैं जब आप इनको ओवरलोड करते हैं जब आप इस पर काफी हॉट सिग्नल डालते हैं ना ज्यादातर प्लगइन्स में इनपुट और आउटपुट का कंट्रोल होता है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको हर स्टेज के साथ आप जितने भी प्लग डाल रहे हैं आपको अपने बैलेंस को बनाते हुए चलना है आप अगर किसी प्लगइन का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको गेन के लिए इस्तेमाल मत कीजिए अनटिल यू वॉन्टिड लेकिन आपको उस इफेक्ट को अचीव करना चाहिए उस प्लगइन का इस्तेमाल करते हुए ना ही वॉल्यूम का अचीव करना चाहिए साथ में अगर आपको लेवल सुनाई नहीं दे रहे हैं अगर आपको आउटपुट सुनाई नहीं दे रहे आपने गिटार को रिकॉर्ड करें आप कह कर रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है आप इनपुट को मत बढ़ाइए आप जाके अपने हेडफोन के आउट्स को बढ़ाइए आप अपने स्पीकर को लाउड कीजिए इससे आपके आउट पुट में फर्क पड़ेगा ना कि इनपुट में फर्क पड़ेगा ना एक दूसरा ग्रुप ऑफ लोग है जो ज्यादातर वी और मीडी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं भाई हम तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं तो देखिए ऐसा क्या है कि ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स है मीडी इंस्ट्रूमेंट्स है वो काफी हॉट होते हैं जब भी आप उनको लोड करते हैं अपने डी एडब्ल्यू में काफी हॉट सिग्नल फीड कर रहे होते हैं तो आपको वहां पे डायल डाउन करना चाहिए उस वी एस टी इंस्ट्रूमेंट के आउटपुट पे उसको आप नीचे लेके आइए सिमिलरली फॉर लूप्स बहुत लोग इस बात को नहीं समझते कि जो लूप्स आपको मिलते हैं जो आप डाउनलोड करते हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड लूप्स होते हैं वो काफी तरीके से उसको कंप्रेस किया जाता है इक्यू करके आपको प्रोवाइड किया जाता है इसका सोल्यूशन ये है कि आप उस लूप को कुछ भी करने से पहले उसके क्लिप गेन को एडजस्ट ताकि आपके ट्रैक के साथ वो बैठ सके और मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगा कि आप एक व्यू मीटर ले लें जो वेव्स की तरफ से भी आता है और बहुत सारे फ्री मीटर्स भी आपको मिलते हैं आप जाके एक व्यू मीटर ले लेंगे इससे आपका जो गेन स्टेजिंग है वो काफी आसान हो जाएगा तो ये था मेरा वीडियो गेन स्टेजिंग के बारे में होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर साइन आउट